आज हम देखेंगे एनआरओपी कैशबैक हम क्यों यूज करते हैं। तो एनआरओपी कैशबैक हम बेसिकली यूज करते हैं एनआरओपी कंडीशन बनाने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्रो करते हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपको कल्चर प्लेट लेना है जिसमें आपको एनआरओपी कंडीशन ग्रो कराना है। हाँ, उसके साथ हम यूज करेंगे एनआरओपी टेबलेट का, ये इंडिकेट करेगी कि आपका एनआरओपी कंडीशन मेंटेन हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमें कैंडल जार लेना है, ये कैंडल जार, इसमें कुछ इस तरह से आपको प्लेट्स रखने, उसके बाद इस प्लेट्स को कैंडल जार में रखने एंड उसके बाद हमें इंडिकेटर लेना है। तो ये एनारोबिक इंडिकेटर टैबलेट, इसको हम एक ट्रांसपेरेंट से प्लास्टिक उसमें से इस टैबलेट को बाहर निकाल लेंगे, यह टैबलेट, और इसको हम इसी तरह रख देंगे, ठीक है। एंड फिर हम ओपन करेंगे एनारोबिक गैस पैक को। तो यहाँ पे निशान बनी होगी, ठीक है, ये एनारोबिक गैस पैक, इसको ओपन करना है और एक साइड में इसको रख देना है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से रख देना है एंड फिर इसकी कैप बंद करनी है इमीडिएटली एंड उसको टाइट क्लोज कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि कुछ देर में ये एनारोबिक कंडीशन बन जाएगी, मतलब कि इसमें से जितने भी ऑक्सीजन होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे और एनारोबिक कंडीशन बन जाएगी, मतलब ऑक्सीजन अब्सेंस हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको कैंडल जार बोलते हैं। अभी हम इसको रख देंगे इंक्यूबेटर में 37 डिग्री सेल्सियस पे। ओके,